अगस्त को हुए मुगल सराय कोतवाली अंतर्गत चंदासी में मैकेनिक हत्याकांड का मुगल सराय कोतवाली पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस जांच में गैराज में कार्य करने वाला साथी ही निकला हत्यारा। हत्यारा मृतक का साथी जनरेटर चोरी करने की नियत से घुसा था गैराज में। चोरी करते वक्त मृतक द्वारा देख लिया गया था। मृतक चोरी का पर्दाफाश न कर दे इस डर से हत्यारे ने साथी को लोहे के राड से सर पर मार कर कर दी हत्या। हत्यारा साथी मृतक की बाइक व मोबाइल भी लेकर हो गया था फरार। मुगल सराय कोतवाली पुलिस ने बाइक व मोबाइल हत्याकांड में प्रयुक्त राड को किया बरामद। सत्यात्रा न्यूज रिपोर्ट, मुकुटधारी सिंह, ब्यूरो चीफ, चंदौली। क्यों मारे थे? जनरेटर चलाने के वजह से। जनरेटर कहाँ था? बस उसी का बगल में था, उसी गैराज में। हाँ। तो बस जनरेटर चलाने के लिए तुमने उसकी हत्या कर दिया? और कोई कारण? नहीं सर, कोई कारण नहीं। और उसको हम याद मत कर चल नहीं मारे। उस समय जो है हमारे की बात में चल हम नशे में थे, हमसे गलती से हो गया। मारने के बाद कहाँ गए थे, क्या किए थे, कहाँ छिपे थे? तो फिर वहाँ से जनरेटर उठाने के लिए आए, तो बगल में जो है मकान मालिक था, तो वो निकला तो पूछने लगा कि हाँ रात में क्या कर रहे हो? तो उसको बोले, वो बोला कि अच्छा फिर था ये घटना तुमने अकेले किया था कि तुम्हारे साथ और कोई था? नहीं, अकेले किया। अकेले से मारे थे उसको? काहे से मारे थे? शॉप में एक आमिर नामक व्यक्ति का शव मिला था, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी की विवेचना के दौरान उसी गैरेज में काम करने वाले एक लड़के विनोद उर्फ विनीत विश्वकर्मा द्वारा 30 तारीख की रात में गैराज में लगे जनरेटर को चोरी करने के लिए इस आमिर की हत्या कर दी गई है। और आमिर की हत्या वही गैरेज में मौजूद एक लोहे के एंगल से 4 बार उसके सर पर मार के की गई थी। उसके बाद वो फरार हो गया था और विवेचना के दौरान पकड़ा गया है, तो उसने सारी चीज़ें